that is specially designed to run in metropolitan cities while local train are designed इसको हम लोकल ट्रेन के नाम से भी बोल सकते हैं लोकल डिजाइन आर डिजाइन टू कनेक्ट द डिस्टेंस विद अ सिटी कनेक्ट द डिस्टेंस विद इन द सिटी एंड इट्स sub areas. तो बाकी बच्चे आज काफी लोग आए ठीक है तो सभी बाकियों का अच्छा श्वेता वगैरह आपका तो भी रिजल्ट नहीं आया ना नो सर आपका क्या फिर क्या भी स्टेटस है रिजल्ट का पूछा था आप लोगों ने सर बोल रहे हैं कि इस मंथ के लास्ट में आएगा बता नहीं हूँ देखते क्योंकि जो ये एफिलिएशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है पता होगा आप लोगों को यस सर तो अब तो कोई ऐसा शायद इशू नहीं है यूनिवर्सिटी से लोग आए थे ठीक है तो वो सब चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं तो आई होप अच्छा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चुका है सब कुछ हाँ मतलब कि जो यूनिवर्सिटी से जो फॉर्मेलिटीज होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं सर अभी अभी हुआ है मतलब जुलाई में हुआ था जी जुलाई में मतलब यूनिवर्सिटी से लोग आए थे ठीक है जो एक प्रोसेस था ना जो एफिलिएशन का रीएफिलिएशन का प्रोसेस था जो पेंडिंग था ठीक है वो कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है वो भी हो ही गया होगा या जो मेन इशू था वो यही चल रहा था हाँ नोट कर लिया यस सर तो समझ में आया मेट्रो क्या है व्हाट इज मेट्रो ठीक है अब जहाँ पे हम मेट्रो जब हम मेट्रो की बात करते हैं तो हम साथ के साथ हम अपनी जो ट्रेन है उसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है मतलब थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे क्या दोनों चीजों में डिफरेंस है ठीक है अगर हम ट्रेन की बात करें तो लिखिए ट्रेन इज डिफाइन एज द ट्रेन इज डिफाइंड एज एन इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज एन इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन transportation for traveling long distance and runs on lead tracks of rails सेकेंड पॉइंट लिखिएगा ट्रेन यूजली रन आउटसाइड द आउटसाइड सिटी लिमिट्स वेयर एज मेट्रो इज अ ट्रेन
are usually designed to run in a metropolitan cities. आप सभी लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगवा लिया? यस सर। जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी लगवा लें। केरल में जैसे आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, केरल में थर्ड वेव आ गई है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा निकल गए हैं। जिन्होंने नहीं लगवाई है वो भी लगवा लीजिए, वीडियो खैर वेट कीजिए। सर नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओवर क्या मतलब कि सबसे पहले कहाँ पे मेट्रो आई। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेट्रो थी वो हमारी लंदन में आई थी। लंदन में जिस मेट्रो का जो नाम था वो था हमारा लंदन अंडरग्राउंड। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज और लिख लीजिए, कुछ मेट्रो Metro is also called as the underground comma subway system एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो मेट्रो आई थी वो हमारी कहाँ पे आई थी? लंदन में आई थी। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए लंदन अंडरग्राउंड। ठीक है, तो लंदन में अंडरग्राउंड जो मेट्रो थी वो कब से स्टार्ट हुई? तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, 1863 में लंदन में मेट्रो जो अंडरग्राउंड मेट्रो थी वो स्टार्ट हो गई थी। और कोई बताएगा इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? दो हजार सात से तो बहुत पहले हुई थी, दिल्ली में भी स्टार्ट हो गई थी उससे पहले। तो यार दो में नहीं, वो तो दिल्ली में हुई थी। और भी जो फर्स्ट प्लान आया था ना मेट्रो का वो 1920 में आ गया था। ठीक है, बट
हम इंडिया वाले हैं तो थोड़ा सा हर चीज को आराम आराम से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लान जो मेट्रो के लिए आया था वो 1920 में आ गया था, मगर कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ वो 1970 में स्टार्ट हुआ। कितने साल बाद? 50 ईयर्स के बाद। ठीक है, और फर्स्ट जो मेट्रो स्टार्ट हुई, ठीक है, कंप्लीट होके कंस्ट्रक्शन, वो हुई 1984 में, कहाँ पे? इन कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता में 1984 में फर्स्ट मेट्रो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो पता होना चाहिए फर्स्ट प्लान कब आया, वो आया हमारा 1920 में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ हमारा 1970 में, और हमारा स्टार्ट हुई 1984 में। सोचो हम लोग कितना, 1984 में हमारा स्टार्ट हुआ और उनका 1863 में हो गया था, कितना डिफरेंस है। समझ रहे हैं? नोट कर लिया, ये थोड़ा सा ऐसा बना लीजिएगा रफली, ऐसे मैं नोट कराऊंगा। ऐसे जो हमारा जो पेज होता है ना, नोटबुक का पेज होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पेज है, तो जो नोट्स मेन होते हैं वो यहाँ पे लिखा करो, कोई भी अगर मैं ऐसे रफली चीज लिखाया करूँ तो ऐसे एक लाइन बना के और उसको यहाँ पे नोट कर लिया करो, तो जैसे आपको भी आइडिया हो जाएगा। सर जैसे कि ऐसे में कोई भी समझाते टाइम जो भी कैलकुलेशन जो भी चीजें लिखता हूँ उसको यहाँ पे लिख लिया करिए, तो जो मेन नोट्स लिखवाता हूँ उसको यहाँ पे लिख लिया करिए। ठीक है, गॉट इट? यस सर। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को सब्जेक्ट क्या? अभी तो खैर स्टार्टिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो लिखिए लंदन अंडरग्राउंड में लिखिएगा, ठीक है, ज्यादा हम लोग डीप में नहीं पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है, सिंपल से। तो लंदन अंडरग्राउंड में लिखिए In 1890, it become the world first metro system when electric trains when electric trains began operating on one of its deep level tube, its deep level tube lines. ठीक है, तो 1890 में हमारी जो लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो थी वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट मेट्रो अगर कभी भी पूछा जाता है तो कौन सा है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड का? लंदन अंडरग्राउंड। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले कोलकाता में स्टार्ट हुई, उसके बाद हमारा जो था वो दिल्ली था। अगर पूछे जाए, अगर पूछते हैं जैसे कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेट्रो जो है, सबसे ज्यादा अभी इस टाइम पे इफेक्टिव मेट्रो है वो दिल्ली में ही है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट मेट्रो इन इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो हमारा दिल्ली मेट्रो आता है। ठीक है, सेकंड लिखिएगा इसमें,
द यूके लंदन अंडरग्राउंड लंदन अंडरग्राउंड वाज ओरिजिनली ओपन्ड इन 1863 फॉर लोकोमोटिव ट्रेन्स ठीक है। 1863 में किसके लिए ओरिजिनली ओपन्ड हो गया था? लोकोमोटिव ट्रेन्स के लिए। और वैसे कब ओपन हुआ? 1890 में, ठीक है। अब कोई बताएगा लोकोमोटिव ट्रेन्स क्या होती हैं? व्हाट इज लोकोमोटिव ट्रेन्स? सर जो स्ट्रिंग से चलते, जो स्ट्रिंग से चलते हैं, हाँ एक उसमें हद तक ठीक है, स्ट्रिंग से चलते हैं। बाकी और कुछ? और कोई कुछ कहना चाहेगा? ठीक है, नोट कर लिया ये सब लोगों ने? यस सर। सुनील आप नोट नहीं कर रहे हैं क्या? हो गया सर। लिखिए लोकोमोटिव। इसमें लिखिएगा ए पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर, इसके लिए यूज्ड होता है ए पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुलिंग ट्रेन्स, पुलिंग ट्रेन्स, ठीक है। तो हम लोकोमोटिव को इंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है? पुलिंग के लिए। नोट कर लिया यहां तक? आपकी क्लास में सबसे अच्छी हैंडराइटिंग किसकी है विजय के अलावा? सर सुनील। सुनील ठीक है। तो विजय आपसे मुझे, आप नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। तो मैं आपसे जो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरे नोट्स की आपकी पीडीएफ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इससे आप नोट्स भी बनाएंगे, और श्वेता ठीक है, दो लोगों की पीडीएफ मुझे चाहिए। श्वेता सर ये सब्जेक्ट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर इसे शॉर्ट में कर सकते हैं ना, मतलब जल्दी में? हाँ तो जल्दी में ही होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें चार ही मॉड्यूल है। इसका जो टाइम होगा ना वो हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में यूज करेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में करेंगे, मगर जो सिलेबस में है वो तो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए अब हम इंडिया पे आ जाते हैं, तो लिखिए हेडिंग कोलकाता मेट्रो, लिखिए द कोलकाता मेट्रो
मेट्रो इज द फर्स्ट प्लांट इज द फर्स्ट प्लांट एंड ऑपरेशनल फर्स्ट प्लांट एंड ऑपरेशनल रैपिड ट्रांसिट रैपिड ट्रांसिट सिस्टम इन इंडिया सिस्टम इन इंडिया इट वॉज इनिशियली प्लांट इन द 1920 in the 1920 what construction started in the 1970s the first underground the first underground opened in 1984. Yes, sir. ठीक है, कल हम देखेंगे दिल्ली मेट्रो के बारे में. ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा दिल्ली मेट्रो के बारे में पढ़ के आएंगे. ठीक है, कब स्टार्ट हुई, कौन सी क्या लाइन, क्या सब चीजों के बारे में थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा. थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछूंगा. ठीक है, नोट कर लिया ना सभी लोगों ने? यस सर. चलिए ठीक है.